आप इथों देखना बिल्कुल बेसिक तो कि किस तरीके नाल आपां काउंट करना है, फिगर्स काउंट करनी है, शेप्स काउंट करनी है, स्क्वायर दी हो सकती है, ट्रायंगल दी हो सकती है, ठीक है, तुसी काउंट करनी है। सब तो पहले आपां देखनी है किन्नी इहदे च रोज़ ने, किन्नियां रोज़ ने बेटा इहदे च, एक दो तीन चार, चार रोज़ ने, तो चार ही इहदे कॉलम ने, मतलब रोज़ ते कॉलम की ने बराबर ने। जो तुहाडे कोल इस तरीके की फिगर आ जाएगी जिस दे च रो ते कॉलम बराबर ने, तुहाडे पुछे इत्थे कि किन्ने स्क्वेयरस ने, ठीक है, हाउ मैनी स्क्वेयरस आर देयर इन दिस फिगर, ठीक है। तो सब तो पहला तुसी एक तां तुसी काउंट करने लग पोगे ना, लेकिन इसका बेस्ट तरीका यही है कि तुसी की करो इनू, क्योंकि रोज़ ते कॉलम सेम ने, तुसी की कर लो वन का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर, ते प्लस फोर का स्क्वेयर, ठीक है। ये तुसी स्क्वेयर करके ऐड कर देना उन्होंने, ठीक है। किस तरीके आ जाएगा बेटा, वन का स्क्वेयर वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन, कितना आ जाएगा, थर्टी, ठीक है। तो ये किन्ने स्क्वेयरस बन गए, थर्टी, ठीक है। ये पहली बेसिक चीज़ है, बिल्कुल स्टार्टिंग इतों ही होंगी है कि जे तुसी फिगर्स तो बहुत कॉम्प्लीकेटड आंदियां ने, तो एग्जाम च कॉम्प्लीकेटड आउणगियां, लेकिन सब बेसिक यही है कि जे मान लो रोज़ ते कॉलम सेम दिते होण, तो तुसी काउंट करना है कि हाउ मैनी फिगर्स, हाउ मैनी स्क्वेयरस आर देयर इन दिस फिगर, तो तुसी की करना उन्हां नूं स्क्वेयर कर देना ते ऐड कर देना, ठीक है। जिस तरीके नाल इत्थे किन्ना आ गया, थर्टी। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋ ਅਤੇ ਕੋਲਮ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਫਿਗਰ। इतने देखो मैं एक कॉलम बता दिता है फाइव, हम मैं कॉलम फाइव कर देते हैं, रो किन्ने मेरे फोर है। इस केस आप स्क्वेयर देखने किन्ने स्क्वेयर इस फिगर च है, तो तुम की करोगे, सब तो वड्डा कॉलम का सब तो वड्डा नंबर केड़ा, फाइव है सब तो वड्डा नंबर कॉलम का, कॉलम का सब तो वड्डा नंबर या रो दे सब तो वड्डे नंबर ना की कर देना, तुसी मल्टीप्लाई कर देना, रो दा जां कॉलम दा सब तो वड्डा रो दा कॉलम दे सब तो वड्डे नाल मल्टीप्लाई कर देना, जिदा फाइव दा मल्टीप्लाई करांगे फोर दा, ठीक है बेटा। हाँ हाँ, नाल नाल प्लस भी कर दे जाना, बाद प्लस करो फिर करोगे, फाइव ही सी इत्थे घटा दोगे एक फोर, इत्थे किन्ना सी थ्री सी एक घटा दोगे, किन्ना हो गया थ्री, ठीक है। फिर इतने देखो इतने फोर सी तुसी एक घटा दोगे थ्री हो गया, इतने थ्री सी एक फिर घटा के लिखोगे टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्री सी एक घटा के लिखोगे टू, तो वन एक घटा के लिखोगे वन, बस वन तक जाना, जो वन लिखा गया फिर तुसी उत्थे स्टॉप कर देना, जिथे वन आ गया तुसी स्टॉप कर देना, बस बस तुसी देख लेना कि हुण फाइव फोर जा ट्वेंटी हो गया, ये ट्वेंटी हो गया ना, फाइव फोर ना करा आप कि ट्वेंटी, फोर थ्री जा ट्वेल्व, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, ये टोटल कर लेना आप, ठीक है। ये कितना बनेगा फोर्टी, टोटल कितना बनेगा सारा फोर्टी, ये चेली किन्ने स्क्वेयर्स ने फोर्टी, जिदा आप पहला देखा सी किन्ने निकले सी थर्टी, ठीक है। तेरे एरे च पता की करना, देखो पहला तो एक देखो तो ये रो ते कॉलम की है डिफरेंट ने, ठीक है, नंबर नंबर ऑफ रोज इतने फोर ने, तो नंबर ऑफ कॉलम इतने फाइव ने, इक्वल नहीं है। जो इदा की कंडीशन आवे तो तुसी लास्ट वाला मतलब इधरों रो रो का या कॉलम का लास्ट वाले ना इन्ना मल्टीप्लाई करना, समझ गए मैंने, लास्ट वाले ना लास्ट वाले ना, फाइव फोर तो शुरू हो गए, फिर फाइव नू एक घटा देना, फोर हो गया,
है ना, ते फोर में घटाना थ्री हो गया। इदा देखो ना, जिदा फाइव ने घटाता फोर हो गया, फोर ने घटा के लिखा थ्री, फिर इदा चलते जाना अगे फोर, फिर फोर तो अगे एक घटा के लिखा थ्री आ गया वे, फिर थ्री ने घटा के लिखा टू, फिर थ्री ने घटा के लिखा टू, तो टू ने घटा के फिर वन, वन तक जाना जी। वन जो भी आ गया फिर आप स्टॉप कर जाना, तो उन्होंने मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। नेक्स्ट तुम्हें मैं एक अगे लेके चलता थोड़ा जहा, ये समझ आ गया ना तुम, ये रो ऑफ रो ते कॉलम सेम होए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं वो भी उधर दस देना ठीक है जी। आज बेटा इदा इदा आर लाइन शो की थी ना मैं तुहानू, जे तुहानू नहीं समझ आ रहा है कि जिदा किदा घट रहा जां किदा दस रहा मैं, तुसीं इदा भी कर सकते हो, जिदा नू थ्री नू फोर नाल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है सीधा फोर नू थ्री नाल, टू नू थ्री नाल कर लो, ठीक है जिदा वन नू टू नाल कर लो बस सीधा, चाहे तो इधर लाइना ना समझ लो तो ताई उधर समझ लो कि एक घटाई जाना, जिदा भी तुसी समझ सकते हो, ठीक है समझ लगी ना बेटा। लास्ट वाले लास्ट वाले ना, सेकंड लास्ट दा सेकंड लास्ट नंबर ना, फिर थर्ड लास्ट दा थर्ड लास्ट वाले नंबर ना, जिदा भी ठीक है मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। हाँ जैसे इस फिगर च आप काउंट करना है किन्ने स्क्वेयर्स ने, ठीक है बेटा म्यूट कर लो स्टूडेंट्स, आवाज बहुत आ रही है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है बेटा, अपने आप में म्यूट कर लो। हाँ जी ये देखो कि किन्ने अपन स्क्वेयर्स काउंट करने हैं, ठीक है हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर। सब तो पहला तुसी उसे तरीके ना करो कि जो मैं दस्या सी तुहानू कि देखो पहला तो बेसिक वाला वेखना है, सब तो सौखा जो आ फॉर्म देखो सब तो सौखी है, पहला इनू पिक करो, मैं दसदा एक मिनट इनू देखो, पहला आप इनू पिक कर सकते हैं, ठीक है ये रो ते कॉलम सेम ने, देखो ये किन्ने वन टू ते थ्री, इधर किन्ना वन टू ते थ्री, एना रो कॉलम सेम ने, तो मैं दस्या सी की करना इनू स्क्वेयर कर दो, थ्री का स्क्वेयर टू का स्क्वेयर वन का स्क्वेयर, ठीक है नाइन हो गया फोर हो गया प्लस वन हो गया, ठीक है जी फोर्टीन हो गया, ये सारे काउंट हो गए विचले स्क्वेयर है ना। हम उस तो बाद आउटसाइड स्क्वेयर कड़े रह गए अपने, फोर स्क्वेयर कड़े रह गए जिदा, हाँ जी आ स्क्वेयर रह गया से अपना, एक एक अपना ये रह गया, एक अपना ये रह गया, एक ये इट मीन्स फोर होर ऐड हो गए, तो कितना हो गया टोटल बेटा, टोटल स्क्वायर कितने हो गए 18, ठीक है जी। मीन्स तुसी इदां दी फिगर आ जाती है तुहानू, तुसी पहला नू सिंपलस्ट फॉर्म च नू सॉल्व कर लो, जिहड़ा तुहानू मैं सिंपलस्ट फॉर्म दसी है, और सब तो बेसिक स्टार्ट हुंदी है कि जदों रो ते कॉलम सेम होना, ठीक है बेटा म्यूट करो अपने आप नू। हेलो ठीक है, आप देख ले किस तरीके स्क्वायर फाइंड करना है, और नेक्स्ट चल दे आप।